दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का 100वां यूनिकॉर्न हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं हमारे युवा नौजवान साथी। और बात जब टेक्नोलॉजी की हो और तेलंगाना और तेलंगाना के युवाओं की क्षमताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहरों की पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, दिखनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए।